सशरीर स्वर्ग गए थे अर्जुन, और अर्जुन को प्रलोभन कर लुभाने के लिए, अर्जुन को लुभाने के लिए स्वर्ग की प्रत्येक सुंदर वस्तु को उनके सामने प्रस्तुत किया गया। लेकिन अर्जुन का मन इतना एकाग्र, वो किसी भी वस्तु पर प्रभावित नहीं हुए। अंत में स्वर्ग की अप्सरा, जिसका नाम उर्वशी है, जिसको कौन देख करके मोहित नहीं हो सकता, इतनी सुंदर, ऐसी वो सुंदरी उर्वशी जब अर्जुन के सामने प्रकट हुई और सुंदर बनकर के आई, सुंदर तो थी और सुंदर श्रृंगार करके आई, तो और देख करके उस पर सब मोहित हो रहे थे। लेकिन अर्जुन का मन एक बार भी उर्वशी के ऊपर फिसला नहीं। तो आप लोग विचार करो कि अर्जुन पूरे विश्व की सबसे सुंदरी उर्वशी पर भी जब उसका मन नहीं गया, तो उसकी मन की एकाग्रता कितनी दृढ़ होगी। लेकिन बंधुओं, आश्चर्य होगा आपको, ऐसे दृढ़ एकाग्र वाले अर्जुन ने भी गीता में भगवान से बहुत सुंदर बात कही है। और इस बात को सुनकर के तो हो सकता है कई लोग घबरा जाएं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन कह रहे हैं, कन्हैया ये मन बहुत चंचल है, बहुत प्रमादी है, बहुत बलवान है और बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस मन को एकाग्र करना तो बिल्कुल वैसे है जैसे हवा को पकड़ना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का बहुत बहुत स्वागत है भक्तिपथ पाठशाला में। आज के इस विषय में हम लोग प्रवेश करें, उससे पूर्ववर्ती विषय जो कि हमारा रहा था आसुरी प्रवृत्ति, जिसको बुरी आदतें कहा गया था, उसी विषय के संदर्भ में कुछ प्रश्न हुए और उस प्रश्न के जिन लोगों ने उत्तर दिए उनके नाम मैं कहूँ। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि लगभग फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सभी ने ही उसका उत्तर सही दिया है। अब मैं किसका नाम कहूँ, किसका छोड़ूँ, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये बहुत ही सुंदर मुझको प्रभाव देखने को मिल रहा है कि आप लोग पाठशाला के द्वारा इतने आनंदित हो रहे हैं, इतने भाव से उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल, कई लोग तो अपने अपने भावों को भी प्रकट कर रहे हैं। कईयों ने तो जैसे स्कूल में कॉलेजेस में नोट्स बनाते हैं, वैसे नोट्स बना रखे हैं। ये सब देख करके मन को बहुत प्रसन्नता हो रही है, हमारी मेहनत रंग ला रही है। बस यही तो चाहते हैं कि आप लोगों को इस पाठशाला के द्वारा कुछ मिले, और ऐसा मिले जो अनादि अनवरत आप लोगों के पास रहे। तो जो नाम मैं कुछ कुछ ही नाम कह पाऊंगा, मुझे क्षमा करें, क्योंकि प्रसंग भी कहना है और नाम ही कहने लगा तो बहुत समय हो जाएगा। अगर पूरा आप अनुमान लगाएंगे तो लगभग मेरे पास में 1,500 से 2,000 नाम हैं सही उत्तर देने वालों के। तो मैं कुछ ही नाम दे रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। वे हैं शिल्पी पालीवाल, उमेश कोटिया, मीरा शर्मा, मिस तुषा, अतुल पांडे, मीनू पुनैनी, देवेंद्र देवू, इंदु दीक्षित, कोमल पाठक, विशाल तनेजा, कपिला उपाध्याय, प्रदीप्ता मुखर्जी, ओम शाह, अरुणा गांधी, निशा चौधरी, लता सोनोने, नम्रता अग्रवाल, कोमल गर्ग, नीतू ठाकुर, श्रियांशी सिंह राजपूत, शिवानी गुर्जर, आराधना वैश, निशी शुक्ला, नम्रता मिश्रा, मोहित पारिक, गौरव वशिष्ठ, शीतल गोयल, और भी कई बहुत सारे नाम हैं, किरण तिवारी, शीतल, काघा शर्मा,
और आदि। अब सबके नाम तो कहने बहुत ही मुश्किल हैं और इतने नाम हैं कि मैं सबको भी यदि कहना चाहूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब हम विषय पर आते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जानने योग्य, और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जितने भी विषय थे वो श्रवण के बाद में अनुकरण आप कभी भी करें, उसका उपयोग कभी भी हो सकता है। लेकिन आज का जो विषय है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, चाहे वो स्कूल्स के जितने भी बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, और साधक प्रवृत्ति के लोग हैं, साधन प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नाम जप आदि में रुचि रखते हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज का एकाग्रता। एकाग्रता, कंसंट्रेशन। अब इस विषय को जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, आज का विषय प्रैक्टिकल करने योग्य है, वो तब तक आप उस पर खरे नहीं उतर पाएंगे। और आज की जितनी भी बातें, जितने भी भाव मैं यहाँ कहूँगा, उन सबको आपको करके देखना पड़ेगा, तभी उसका प्रभाव दिखेगा। मनोविज्ञान ने ये निष्कर्ष निकाल करके कहा है कि मानव का किसी भी एक वस्तु पर यदि वो चिंतन करने बैठे, अपने मन को एकाग्र करना चाहे, तो वो 8 सेकंड से ज्यादा एक वस्तु पर मन को एकाग्र नहीं कर सकता। आप आंख बंद करके किसी भी वस्तु का चिंतन करने बैठेंगे तो आप गिनती करेंगे कि 8 सेकंड बाद आपका मन किसी और वस्तु का चिंतन करने लग जाएगा। एकाग्रता इतनी कठिन है। लेकिन हम लोग इस भक्तिपद पाठशाला के द्वारा उस 8 सेकंड को 9, 10, 11, 12, 13, 14, जहां तक हम लोग उसको पहुंचा सकें, उसको करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन ये मनोविज्ञान की बात है। लेकिन भैया, जो लोग वृंदावन आते हैं, श्री राधा रमन जी का दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करते हैं, श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं, तो उनके मन की एकाग्रता की तो मैं क्या कहूं, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। अरे, महीनों महीनों, वर्षों वर्षों बीत जाते हैं, आंखों से वो ठाकुर जी का चेहरा उतर ही नहीं पाता। लेकिन फिर भी जो एकाग्रता होनी चाहिए, वो एकाग्रता तो फिर भी नहीं हो पाती है। तो आइए, आज के संदर्भ को हम लोग कुछ इसी प्रकार समझने का प्रयास करें कि हमारी एकाग्रता 8 सेकंड से बढ़ के थोड़ी और हो जाए, थोड़ी और सहज हो जाए, थोड़ी और अच्छी हो जाए, उसके विषय में आज का ये प्रसंग है। करने से कठिन काम भी हो जाते हैं, और नहीं करने से सरल काम भी कभी पूरे नहीं होते। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे यत्न धीरे धीरे, सनई सनई ही, धीरे धीरे यदि किसी कार्य को किया जाए तो वो हो सकता है। यदि एक पानी की बूंद रोज एक पत्थर पर गिरे और अनवरत गिरती रहे, एक दिन का भी बीच में गैप नहीं होना चाहिए, अनवरत यदि वो पानी की बूंद उस पर गिरती रहे, तो आप देखेंगे कुछ वर्षों में वो पत्थर में छेद कर देगी। पानी कभी पत्थर को काट सकता है, लेकिन हाँ, उसमें बल है, वो कर सकता है। तो इसलिए हम लोग भी आज की पाठशाला लेके बैठे हैं कि भाई, ये मनोविज्ञान ने कह कैसे दिया कि 8 ही सेकंड एकाग्र हो सकती है। हम आज की पाठशाला से करके देखते हैं, कहीं हमारी 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, इतना भी यदि बढ़ जाए तो बहुत है। 8 सेकंड में क्या नहीं हो सकता। मानव का जन्म हो जाता है, मानव की मृत्यु 8 सेकंड में हो जाती है, पूरा विश्व में नूतन प्रलय 8 सेकंड में हो सकता है, हम भगवान को पा भी 8 सेकंड में सकते हैं। तो आइए, भगवान के ही द्वारा समझें कि मन की एकाग्रता कैसे हो। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्ये तद् आत्मन्येव वशम् नयेत्। भगवान कह रहे हैं, मन को विचलित करने वाली दो वस्तुएं हैं। कौन कौन सी दो वस्तु हैं? एक तो है चंचलता और एक है अस्थिरता। न स्थिर, स्थिर ना रहना। आप कहेंगे दोनों बात एक सी लग रही है, अस्थिर और चंचल,
नहीं, अलग है। अस्थिरता किसको कहते हैं? मैं बिजनेस करूंगा। नहीं नहीं यार, जॉब ही कर लेते हैं। नहीं, अब तो मन में विचार हो रहा है कि मैं अमेरिका जाकर के पढ़ाई कर लूं। सोचना भी मत अभी तो अमेरिका जाने की, बहुत बुरा हाल है वहां तो। जाएंगे, फिर कभी जाएंगे, लेकिन अभी मत सोचना। कभी मन करता है नहीं यार, भारत में कुछ अपने पिताजी का ही जॉब कर लें। अरे यार, एक काम करते हैं, शादी कर लेता हूं। इसको क्या कहते हैं? अस्थिरता। आप एक चीज पर स्थिर नहीं है, दृढ़ आपका नहीं है एक स्थान पर कि मैं क्या करूं। आप अपने मन को स्वयं भटकाने का उसको समय दे रहे हैं कि तू ये भी कर ले, तू वो भी कर ले, तू वो भी कर ले। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। आप जितनी कम वस्तु लेकर के मन के ऊपर भार दोगे ना, मन उतना ज्यादा एकाग्र होगा। आप चाहो कि मैं पूरे विश्व को जीत लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो सब करना असंभव है। योग्य सबके लिए रखिए अपने आप को, लेकिन सब पर दृढ़ नहीं रहिए, एक चीज पर दृढ़ रहिए। तो भगवान कह रहे हैं, मनुष्य का पहला जो मन एकाग्र ना होने का कारण है वो है अस्थिरता, और दूसरा मानव को विचलित करने का, उसके मन को एकाग्र ना होने देने का कारण है चंचलता। चंचलता किसे कहते हैं? संसार के इतने सारे रस हैं, इतने सारे पदार्थ हैं, इतने सारी भोग की वस्तु हैं, उन सब में मन का ललचाना, खाना पीना देखना सुनना, ये पंच तत्व, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियों को लुभाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, उनमें मन विचलित होना ही चंचलता है। ये दो कारण हैं मानव को एकाग्रचित्त ना होने देते हैं जो। लेकिन हम तो करेंगे, हमें करना है, और लॉकडाउन से अच्छा इसको करने के लिए कोई अवसर नहीं मिलेगा। और उसी संदर्भ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उत्तर देके कह रहे हैं कि दो एक्सपेरिमेंट से आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हो, और उसमें एक एक्सपेरिमेंट है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य के विषय में कहने के लिए आपके मध्य में आज विशेष रूप से पूज्य महाराज जी पधारेंगे, लेकिन अभ्यास के कुछ नियम मैंने सोचे हैं और कुछ पढ़ करके खोजे हैं, उनको मैं आपके सामने कहूं। एक एक नियम को नोट डाउन कीजिए और ये अगले 20 दिन की थ्योरी है, 20 दिन की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करनी है, तो इस पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अभ्यास से बहुत बड़ा फायदा होता है। आप लोग कभी शादी में जाते हैं तो शादी में दूल्हा किस पर बैठा होता है? घोड़ी पर। उस घोड़ी को आप देखिए, उसके सामने कितने बैंड बाजे बजते हैं, कितने सारे पटाखे फूटते हैं, कितनी हल्ला हुल्ला होता है, लेकिन वो घोड़ा जो जरा सी आवाज होने पर भी विचलित हो जाता है। आप कभी घोड़े की रेस देखें तो वहां पर भी बंदूक की वो शॉट किया जाता है, तब जाकर के घोड़े दौड़ना शुरू करते हैं, इतना भयभीत होता है शब्द से। लेकिन वो घोड़ा भी शादी में कितना शांत खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास इतना विशेष होता है, उसके साथ में अभ्यास इतना ज्यादा किया जाता है कि वो फिर उसके आदी हो जाता है। ठीक वैसे ही खुद को भी एकाग्र, श्रीमद् भागवत की भाषा में मानव को एक प्रकार से शादी वाली घोड़ी बताया गया है, और उसको संसार के जितने भी भौतिकवाद रूपी जो आवाजें हैं उनसे मन को एकाग्र करना है। तो अभ्यास के लिए क्या करना है, ये विशेष रूप से सब लोग सावधानी से सुने। सबसे बड़ा मन को एकाग्र करने का साधन केवल और केवल भगवान के नाम में सामर्थ्य है कि वो आपको एकाग्र कर सके। लोग नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब तक आपने ऐसे किया? कई बार कई लोगों के हमेशा प्रश्न होते हैं कि भजन करते समय, पाठ पूजा करते समय मन एकाग्र नहीं होता। भजन की पद्धति थोड़ी सी बदलिए,
अब कैसे करना है वो ध्यान से सुनिए। पहली चीज का विशेष ध्यान ये रखना है कि जो नाम आप कह रहे हैं उसके बीच में मन को जरा भी समय मत दीजिए। कहने का अभिप्राय, जैसे कि आपने करमाला ले ली और माला लेकर के आप नाम जप करने बैठे हैं, तो आपका नाम जप कैसे होना चाहिए? राम 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 राम। रा और माँ के बीच में भी जगह नहीं, और फिर माँ से पुनः रा तक आने में भी जगह मत छोड़िए। इस प्रकार से जितनी धीमी गति से आप इस नाम जप को करना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी नाम जप में निष्ठा बढ़ेगी। तो पहला उपाय क्या है कि जिस नाम को आप गा रहे हैं उस नाम के बीच में एक क्षण का भी समय मन को मत दीजिए। श्वास लेने के लिए दीजिए, लेकिन बोलते समय नाम में बिल्कुल भी समय मत दीजिए। और दूसरी चीज जो आपको करनी है, पहली ही बात में राम 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 कृष्ण 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 ये नाम जप करते समय, पहली बात तो आपको बीच में जगह नहीं देनी, और दूसरी बात आप जो शब्द उच्चारण करने हैं वो अपने कानों से स्वयं सुनिए। 5 दिन तक ये क्रिया करनी है। भले ही 108 माला करने में आपको 1 घंटा लगे, लेकिन लगना चाहिए। 100 माला कर दी जल्दी जल्दी, मन एकाग्र नहीं हुआ, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन 1 माला कर ली है और 1 माला में भी पूर्ण रूपेण आपने मन को एकाग्र करके एक एक नाम आपके मुख पर कृष्ण और राम के रूप को प्रकट कर रहा है, तो आप समझिए आपकी माला श्रेष्ठ है। तो पहली बात कि नाम के बीच में समय मत छोड़िए, और दूसरी बात जो शब्द आप उच्चारण कर रहे हैं उसको स्वयं सुनिए। दूसरा उपाय, 5 दिन तक इस प्रकार से नाम जप करने के बाद में फिर 5 दिन कैसे करना है? महामंत्र का राम शब्द दे दीजिए अपनी वाणी को और कृष्ण शब्द दे दीजिए मन को, विभाजन कर दीजिए। कैसे नाम जप करना है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो मन को दे दीजिए। बोले तुम इसका जाप करो। इस प्रकार से एक नग पूरा होगा। तो पूरी माला 5 दिन तक कैसे करनी है? कृष्ण नाम दे दीजिए मन को, राम नाम दे दीजिए जिह्वा को, और इन दोनों के मेल के द्वारा उस नाम को शुरू कर दीजिए। आप 5 दिन इसको करेंगे तो आपका मन की एकाग्रता 8 सेकंड से बढ़ करके लगभग मेरे ख्याल से 11-10 सेकंड तक पहुंच जाएगी। आप फिर नेत्र बंद करके ध्यान करने बैठेंगे तो श्री राधा रमन जी का सुंदर दृश्य आपके सामने बहुत लंबे समय तक रह पाएगा। तो ये दूसरा उपाय है, आप इस प्रकार से मन को एकाग्र। और सुनिए, ये केवल साधक के लिए मैं बता रहा हूं, भक्ति भाव करने वालों के लिए बता रहा हूं, ऐसा मत समझिएगा। स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते, ऐसे बालक भी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए इस उपाय को अपना सकते हैं। तो ये था दूसरा उपाय। और तीसरी स्टेज में आपको क्या करना है, जब 10 दिन की आपकी साधना पूरी हो जाए तो 11वें दिन अपनी माला छोड़ दीजिए और मेरुदंड सीधा करके बैठ जाइए और मन को गिनने दीजिए कितने नाम हो रहे हैं। धीरे धीरे मन पर प्रेशर दीजिए। देखिए, मन जो है ना, ये बालक जैसा है। मन पर आप बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, तो वो और ज्यादा बिखर जाएगा और ज्यादा रोएगा। बालक होता है ना। ये थ्योरी कहां से निकाली? आप लोग सोच रहे होंगे इसका कोई प्रमाण? प्रमाण है। एक छोटा सा बालक होता है, बालक रो रहा होता है तो माँ उसको कैसे सुलाती है? माँ उसको गोद में लेकर के और किसी भी ध्वनि को लंबा खींचती है। आ, 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 कोई भी आप आवाज निकाल करके उसको लंबा खींचो तो उसकी आवाज से ही बालक को शांति का अनुभव होने लग जाता है। दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं में बालक को गुरु बनाया। वो इसीलिए बनाया कि बालक को शांत करना बहुत आसान है, मानव को शांत करना इतना आसान नहीं है। मन को भी एकाग्र करना बहुत आसान है। बालक की तरह उसको बहलाओ, फुसलाओ।
उसके साथ में जबरदस्ती मत करो, फ्रस्ट्रेट मत करो, उसको प्यार से समझाने का प्रयास करो। 11वें दिन से जब साधना शुरू हो तो उसमें करमाला छोड़ दीजिए, मन को गिनने दीजिए कितने नाम हो रहे हैं, और इस प्रकार से 5 दिन तक कीजिए। और जब 15वां दिन पूरा हो जाए, 16वां दिन जिस दिन शुरू हो, उस दिन से आपको जो क्रिया करनी है, ये मैंने परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज से ये मैंने सुना। वे कहते हैं कि साधना में मन की एकाग्रता बनानी है तो नेत्र बंद कीजिए, और नेत्र बंद करके अपने सामने ठाकुर जी का अनुभव कीजिए। मेरे सामने ठाकुर जी बैठे हैं, और उनके दाहिने चरण से लेकर के दाहिने मुकुट तक प्रत्येक अंग में भगवत नाम लिखिए। आपको 54 भगवान के नाम लिखने हैं नाम जप के द्वारा। नेत्र बंद करके विचार कीजिए, सामने ठाकुर जी खड़े हैं, और आपके नाम में जय जय राम कृष्ण हरि, जो नाम आपको अच्छा लगे, पहले भगवान की चरणों की 5 उंगलियों पर लिखिए, उसके बाद उंगलियों के बाद लंबे भाग पर लिखिए, उसके बाद धीरे धीरे ठाकुर जी के चरणों के ऊपर आइए, फिर घुटने के पास में गोल आकार में नाम लिखिए, उसके बाद उनके उरु भाग में आइए, उरु के बाद कटी भाग में आइए, इन सब जगह पर नाम लिखते चले आइए, और विचार कीजिए मैं नाम लिख रहा हूँ, चाहे राधा नाम हो, चाहे कृष्ण नाम हो, राम नाम हो, जो नाम में आपकी निष्ठा हो लिखिए। अब ठाकुर जी के सुंदर कमर के ऊपर मैं भगवत नाम लिख रहा हूँ, ठाकुर जी के वक्षस्थल पर भगवत नाम लिख रहा हूँ, कोठे पर, हाथ पर ठाकुर जी की मुद्रा, ऐसी पूरी मुद्रा का दर्शन कीजिए। अब ठाकुर जी के कपोलों पर लिख रहा हूँ, कान पर लिख रहा हूँ, माथे पर लिख रहा हूँ, मुकुट पर लिख रहा हूँ, तो चरणों की उंगली से लेकर के मुकुट के अग्र भाग तक 54 नाम होने चाहिए। दाहिने तरफ 54 नाम होते ही बाएं तरफ से 54 नाम करना शुरू कर दीजिए, ऊपर से नीचे। इस प्रकार आपके 108 नाम पूरे होंगे। 3 फायदे होंगे, मन की एकाग्रता, नाम की पूर्ति, और तीसरा भगवान का साक्षात्कार। ये 4 उपाय हैं जिनसे आप मन को एकाग्र कर सकते हैं, लेकिन केवल सुनने मात्र से मन एकाग्र नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। लॉकडाउन बढ़ रहा है, इससे बढ़िया समय कभी नहीं मिलेगा आपको ये करने के लिए। तो मन की एकाग्रता करने के लिए ये कार्य कीजिए। ये भक्तिपद पाठशाला का 1st सीजन है, एक दिन ये समाप्त होगा कुछ एपिसोड्स बाद। उसके बाद में दोबारा दूसरा एपिसोड जब शुरू होगा, तब मैं आप लोगों से इस विषय में पूछूंगा कि आप लोगों ने ये किया, इसका प्रभाव कैसा हुआ। वास्तव में प्रभाव होगा, मेरी वाणी पर आज आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। तो ये थे अभ्यास मन की एकाग्रता के। मन की एकाग्रता के विषय में और जानने के लिए आज हमारे मध्य में भक्तिपद पाठशाला में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हम सबके परम प्रिय मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज का पदार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होगा। लेकिन अभी हम लोग जो शूट कर रहे हैं, ये सुबह 5:30-6 बजे का शूट है, और पूज्य महाराज जी का हम सब के बीच में आगमन थोड़ा लेट होगा। जब महाराज जी की अनुकूलता होगी, उनसे वार्तालाप करके मैं उनके आपके मध्य में उनको लाऊंगा, और उनके साथ में मैं पुनः आप सबके बीच में जुड़ने वाला हूँ। हरिशरणम, अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हम सबके पर बहुत लाडले दुलारे आयुष्मान भक्तिमान श्रीमान श्री आचार्य इंद्रेश जी भक्ति पथ पाठशाला के माध्यम से बालकों में शिक्षण का कार्य, संस्कार संपन्न बनाने का कार्य कर रहे हैं, इसके लिए खूब खूब उन्हें साधुवाद है। और श्री राधारमण लाल जी से प्रार्थना है कि वे इस प्रकार के पवित्र कार्य निरंतर करते रहें, साथ ही उन सभी जिज्ञासुओं का, बालकों का खूब खूब अभिनंदन है, और उनके निरंतर अभ्युदय की कामना है, जो इस समय को भक्तिपद पाठशाला के सत्संग के माध्यम से
स्वाध्याय और चिंतन में व्यतीत कर रहे हैं। इस पाठशाला का श्रवण करके भक्तराज श्री प्रहलाद जी की पाठशाला का स्मरण हो रहा है। आज का विषय बहुत सुंदर है, मनोनिग्रह अर्थात मन की एकाग्रता। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य योग सूत्र में, पातंजलि योग सूत्र में भी महर्षि पतंजलि ने कहा है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, मन का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास के संबंध में आप हमारे अतिशय वात्सल्य भाजन आचार्य श्री इंद्रेश जी से श्रवण कर चुके हैं। अब वैराग्य की संक्षिप्त चर्चा हम प्रस्तुत कर रहे हैं। मन की, इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति संसार की ओर है, भोगों की ओर है, और वह किसी एक जन्म से ये प्रवृत्ति नहीं है, अनेक जन्मों के विषय सेवन के अभ्यास के कारण इस प्रकार की प्रवृत्ति है। मन और इंद्रियों का प्रवाह निरंतर विषयोन्मुख है। उस निरंतर विषयोन्मुख प्रवाह को परावर्तित कर देना, लौटकर अंतर्मुख कर देना, वापस कर देना, वृत्ति के प्रवाह को रोक करके विषयोन्मुखी प्रवृत्ति को आत्मोन्मुखी कर देना, भगवान की ओर कर देना, इसको वैराग्य कहते हैं। अब बड़ी विचित्र बात है, अनेक जन्मों के संस्कारों से जो मन की, इंद्रियों की वृत्ति संसार की ओर लगी हुई है, भोगों की ओर लगी हुई है, विषयों की ओर लगी हुई है, उसको कोई भी व्यक्ति अकस्मात कैसे मोड़कर अपने आत्मा की ओर या परमात्मा की ओर ले जाए, इसमें कठिनाई है। और इस मोड़ने की जो वृत्ति है, जगत से जगदीश की ओर मोड़ने की जो वृत्ति है, इसी का नाम है वैराग्य। तो इस संबंध में शास्त्रीय परिभाषाएं तो थोड़ी क्लिष्ट हैं। बहुत सरल शब्दों में यदि हम कोई उदाहरण देना चाहें तो उसके लिए हम समझते हैं कि एक सरल उदाहरण संभव है। हमें बड़ी जोर की भूख लगी है, भूख के मारे हम व्याकुल हैं, लगता है खाए बिना प्राण ही निकल जाएंगे, इतनी तेज भूख लगी है। और उस क्षण में जब हम बहुत भुभुक्षित हैं, बड़े भूखे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, उस समय मेरे सामने सुंदर भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय के अधोटा दूध की रबड़ी को भी लज्जित करने वाली सुंदर खीर, जिसमें सुंदर मेवा मिश्री केसर पड़ा हुआ हो, ऐसी सुंदर खीर, वो भी बढ़िया ठंडी ठंडी खीर सामने आ जाए तो आप लोग अनुमान कर सकते हैं कि कितनी प्रसन्नता होगी आपकी। आप जाने, हमें तो ऐसी खीर मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। और ऐसी खीर खाने का मन करेगा कि नहीं करेगा? अवश्य मन करेगा कि इस खीर को खा करके हम अपनी भूख को बुझाएं। और हम खीर खाने को जैसे ही तैयार हुए, उद्यत हुए, उसी समय किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने हमको यह बता दिया, यह ज्ञान करा दिया कि जिस खीर को खाकर आप भूख बुझाना चाहते हैं, उस खीर में विष मिला हुआ है, वो विषैली है।
हमने देखा है खीर बनाते समय एक विषैला प्राणी छिपकली आदि कोई गिर गई थी और प्रमाद बस भूल बस उसको निकाला नहीं गया, उसी में घुट गई है खीर में। ये पूरी की पूरी खीर विषैली है, जहरीली है, इसको खाने वाले की मृत्यु हो सकती है। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि भले ही हमें बड़ी जोर की भूख लग रही थी और हम उस सुंदर खीर को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन क्या हम उस खीर को खाने की इच्छा करेंगे? क्या उस खीर को देखकर फिर भूख प्यास रह जाएगी? अपने जीवन को बचाने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य की रहती है और हम समझते हैं कि फिर भूख नहीं रहेगी, उस खीर को खाने की भोगने की इच्छा नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से जिन बाह्य विषयों की ओर, जिन भोगों की ओर, जिस संसार की ओर हमारी वृत्ति जाती है, देखने में जो भोग बड़े पदार्थ बड़े सुहावने लगते हैं, खीर के जैसे बड़े रसीले और बड़े मनमोहक होते हैं, आकर्षक होते हैं, निश्चित ही उसमें विषय वासना का विष है और उस विष को भक्षण करने वाले का आत्मनाश ही होगा, उसके विवेक का नाश ही होगा, उस जीव का सर्वनाश ही होगा। ये ज्ञान जब तक हमें नहीं होगा तब तक हमारी वृत्ति उन विषयों से परावर्तित नहीं होगी, और जब तक वृत्ति परावर्तित नहीं होगी तब तक हमारे मन में वैराग्य नहीं होगा। और वैराग्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है कि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में, राधारमण लाल जी के चरणों में हमारा अनुराग भी नहीं होगा, क्योंकि रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नर बड़भागी। जो राम अनुरागी हैं वो विषय वासना का, भोगों का त्याग, जागतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा को बमन के समान, वोमिटिंग के समान उसका त्याग कर देते हैं। तो ये बोध कैसे होगा कि संसार में जो भोग पदार्थ हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं वे विषैले हैं? ये बोध वैराग्यवान महापुरुषों के चरणों में बैठकर सत्संग करने से, पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्री भक्तमाल आदि जो हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, उनको सुनने से, उनको पढ़ने से, वैराग्यवान महापुरुषों के चरित्र पढ़ने से, वैराग्यवान साधकों का संग करने से धीरे धीरे हमें विषयों की, भोगों की असारता का ज्ञान होगा, उनकी कटुता का ज्ञान होगा, उनकी विषरूपता का ज्ञान होगा, और जब उनकी कटुता का, विषरूपता का ज्ञान होगा तो सहज ही हमारा मन वहां से हट जाएगा। इसी का नाम है वैराग्य, और वैराग्यवान पुरुष का मन अपने आप चंचलता को त्याग करके, जैसे बिना हवा वाले स्थान में किसी सुंदर दीपक को जलाया जाए तो उसकी अखंड ज्योति लौ सतत जलती रहती है बिना हिले डुले, ऐसे ही उसके मन की अवस्था हो जाती है। और इस प्रकार की मन की अवस्था का नाम है एकाग्रता। तो हम समझते हैं कि ये बात आप सब बालकों को समझ में आई होगी, और धीरे धीरे आप लोग अभ्यास करें और अभ्यास और वैराग्य से अपने मन का निरोध करें। हरिशरणम, आप सबका खूब खूब मंगल हो, और भक्ति पथ पाठशाला में इसी प्रकार से जुड़े रह करके आप अपने जीवन को सफल बनावें और भारतवर्ष के एक अच्छे आदर्श नागरिक बने। नारायण।